तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर एक्सप्लेन करेंगे फिर कोई है सीरियल के 51 नंबर एपिसोड को जिसका नाम है मौत की गिनती। दोस्तों फिर कोई है सीरियल सन 2006 से लेकर सन 2009 तक आया करता था और इस एपिसोड को मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये सीरियल आप लोगों को भी देखना पसंद है और मुझे भी। और फिर कोई है सीरियल की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम अंजलि था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी से बहुत ज्यादा डरी हुई है। और तभी हम अचानक से एक खौफनाक आत्मा को देखते हैं जो कि उस पर हमला करके उसको जान से मारने की कोशिश करती है और अंजलि अपनी माँ को मदद के लिए बुलाने लगती है। और जब उसकी माँ वहाँ पर आती है तो इसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो तुरंत भगवान के मंदिर से धूप दिखाने वाली सामग्री को उस आत्मा के पास ले आती है जिससे वो आत्मा वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद अंजलि की माँ एक तांत्रिक को अपने घर में लाती है और जब वो तांत्रिक अंजलि के कमरे में जाता है तो वहाँ उसे उस आत्मा का एहसास होने लगता है और वो तांत्रिक अंजलि की माँ को बताता है कि आत्मा बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है और इसे हराने के लिए उसे और ज्यादा सामग्री चाहिए। और तभी हम उस तांत्रिक के माथे पर 7 लिखा हुआ देखते हैं और वो तांत्रिक वहाँ से चला जाता है लेकिन रास्ते में वो आत्मा उसके गर्दन को काट देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अंजलि की माँ को एक अखबार का कागज मिलता है जिसको पढ़ने के बाद उसे क्रिस नाम के एक बंदे के बारे में पता चलता है जो कि भूतों को भगाता है। यहाँ सीन चेंज होती है और हम क्रिस को देखते हैं जो कि एक लड़की के अंदर से भूत को भगा रहा था और कुछ ही देर में हमें पता चलता है कि क्रिस भूत भगाने के नाम पर सबको बेवकूफ बना रहा है। लेकिन वो लड़की क्रिस पर विश्वास कर लेती है और क्रिस को शुक्रिया बोलने आती है। और तभी हम उस लड़की के माथे पर 8 लिखा हुआ देखते हैं और वो लड़की वहां से चली जाती है। इसके बाद अंजलि की माँ अंजलि को उस बुरी आत्मा के चंगुल से बचाने के लिए क्रिस को अपने घर पे फोन करके बुलाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिस और उसका दोस्त अली अंजलि के घर पे आते हैं और तभी हम एक न्यूज को देखते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि क्रिस ने जिस लड़की के माथे पर 8 लिखा हुआ देखा था उसकी मौत हो गई है। और साथ ही हम ये भी जान पाते हैं कि इस तरीके से खून 4 साल पहले बाबू नाम का एक बंदा किया करता था जिसको फांसी देकर मार दिया गया था। खैर क्रिस को घर में किसी आत्मा का एहसास होता है लेकिन उसके दोस्त की अजीब हरकतों की वजह से अंजलि की माँ को पता लग जाता है कि ये लोग ढोंगी हैं और अंजलि की माँ क्रिस और अली को घर से भगा देती है। इसके बबाद हम देखते हैं कि क्रिस को अली के माथे के ऊपर 9 लिखा हुआ दिखता है और वो आत्मा अली को भी जान से मार देती है। इसके बाद हम क्रिस को प्रियंका नाम के एक लड़की के साथ एक पुलिस स्टेशन में देखते हैं और मैं आपको बता दूं कि प्रियंका एक डॉक्टर है जो कि अंजलि का इलाज करने आई है। यहाँ इंस्पेक्टर उन्हें बताता है कि बाबू अंजलि का भाई था जिसने 6 खून किए थे और इसी के चलते उसे फांसी दी गई थी। अब दोस्तों यहाँ हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये सारे खून बाबू की आत्मा ने किया है। इसके बाद क्रिस को प्रियंका के माथे पर 10 लिखा हुआ दिखता है और उसे बताता है कि उसकी जान खतरे में है। लेकिन पुलिस वालों को क्रिस पर शक हो जाता है कि क्रिस ने ही सारे खून किए हैं और वो क्रिस को जेल में बंद कर देते हैं। इधर घर जाते वक्त आत्मा प्रियंका पर हमला कर देती है लेकिन क्रिस कैसे भी पुलिस स्टेशन से भाग जाता है और प्रियंका को आकर बचा लेता है। इसके बाद वो दोनों मंदिर में चले जाते हैं जिससे वो आत्मा उन लोगों के पास नहीं जा पाती। इसके बाद क्रिस प्रियंका को बताता है कि उसके गुरुदेव अपने आत्मा को शरीर से बाहर निकालकर भूतों को मारते थे और उसके बाद वो वापस अपने शरीर में आ जाते थे लेकिन क्रिस को ऐसा करना नहीं आता। लेकिन तभी प्रियंका क्रिस को बताती है कि मेडिकल साइंस में ऐसा हो सकता है। इसके बाद वो लोग अंजलि के घर पे आते हैं और बाबू की आत्मा को बुलाते हैं और कुछ ही देर में उसकी आत्मा आ भी जाती है और बाबू की माँ बाबू को बहुत समझाती है लेकिन बाबू उन्हें भी जान से मार देता है। इसके बाद क्रिस इंजेक्शन लगाकर अपने आत्मा को शरीर से बाहर निकाल लेता है और उन दोनों में बहुत ही ज्यादा भयानक लड़ाई होने लगती है। इसके बाद क्रिस चालाकी से बाबू के सर पर 10 लिख देता है और आईने को उसकी तरफ घुमा देता है जिससे बाबू खुद के ही गर्दन को काट देता है और उसकी मौत हो जाती है। यहाँ सीन चेंज होती है और हम देखते हैं कि क्रिस ने प्रियंका से शादी कर ली है और तभी हम क्रिस के सर पे 11 लिखा हुआ देखते हैं जिससे हमें साफ पता चलता है कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। और दोस्तों एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताएं और ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए आप कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।